कहीं मासूमें ढूंढने चली हूँ मैं, नादान इस जहाँ में प्यार ढूंढने चली हूँ मैं। क्या ख्वाब क्या सच्चाई, हर ओर है बस रसवाई। कोई खुद का नहीं, कोई खुद सा नहीं, जाने किस होड़ में है ये दुनिया कोई। सारी मासूमियत अब हवा हुई कि अब सब खराब सा लगता है, और यूँ डर सा लगता है कब अपने ही दिल चीर चले जाए। ज़माना भी खराब सा लगता है, खराब सा लगता है। सो आप समझ ही गए होंगे कि ये कुछ नेगेटिव सा साउंड कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि सही तो है, हम यही तो डील कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि ज़माने में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये जो भी कुछ आज हम झेल रहे हैं, चाहे वो ये पैंडेमिक हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हम झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये हमारी बदौलत है। वी हैव कॉज्ड सो मच डैमेज टू दिस नेचर, दिस यूनिवर्स, दैट इट्स कमिंग बैक। वट एवर वी सो वी रिसीव, वी हार्वेस्ट, एंड दिस इज़ वॉट वी आर हार्वेस्टिंग। कुछ भी नहीं है अच्छा ज़माने में, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं किसी एक केस के बारे में नहीं बात करूँगी, आपको खुद पता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। कब अपने ही दिल चीर चले जाए, ज़माना भी ख़राब सा लगता है। चाहे मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूँ, या अपने ही फैमिली रिलेटिव्स के द्वारा रेप किए जाने वाले की बात करूँ, चाहे मैं मॉब लिंचिंग की बात करूँ, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, साधु या जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में, सब कुछ आपको पता है। और अब सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है, कुछ अलग थोड़ी लग रहा है। हम सब इतने समय से इन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं कि अब सब कुछ आराम से नॉर्मल लगता है। जब पहली पहली बार होता है ना, तो डर लगता है, अरे यार ये क्या हो गया। पर जब इतने बार हो जाता है तो क्या डरना, ये तो नॉर्मल सी बात है। चाहे फटाके भरकर किसी जानवर को फ्रूट खिलाया जाए, चाहे चमड़े के लिए किसी जानवर की हत्या की जाए, सब आसान लगता है, सब नॉर्मल लगता है। क्योंकि आज हम कलयुग में हैं और कलयुग में ये सब कुछ नॉर्मल है। हम कहेंगे कि हम क्या करें इसमें, वो तो दूसरे कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, तो सज़ा हमें क्यों मिल रही है? सज़ा हम सबको मिलेगी। अगर वो कर रहे थे तो हम चुपचाप बैठे भी तो थे, अगर उन्होंने गलत किया तो हम चुपचाप सह भी तो रहे थे, और मिलेगा तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से हम सबको मिलेगा। वी ऑल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सम वे टू दिस डिजास्ट्रस थिंग विच वी आर फेसिंग राइट नाउ। इट्स कर्मा विच इज़ रिटर्निंग टू अस, एंड ये कंडीशन जो आज हम सफ़र कर रहे हैं, चाहे किसी भी वे में हो, ये हमारी ही वजह से हुआ है। और उसी के ऊपर ये पोएम लिखी थी मैंने। मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहती इस बार तो नहीं, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कब कब हम चुप बैठे हैं, कब कब हमने आवाज़ उठाई है, कब कब हमने किसके बारे में क्या बोला है, हमें सब पता है। बस ये है कि इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक कभी नहीं होगा, पर आज कुछ ठीक नहीं है, और ये बस उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए था। जस्टिस फॉर ब्लैक लाइव्स मैटर वाली जो चीज़ें हैं, एलिफेंट लाइव्स मैटर, एनिमल्स लाइव्स मैटर्स, बहुत कुछ बोला गया। आई से एवरी लाइफ मैटर्स, एंड हु आर वी टू क्वेश्चन इफ देयर लाइफ मैटर्स और नॉट। हमारे पास भी जीने का उतना ही हक है जितना उनके पास है, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि उनकी लाइफ मैटर करती है। कह रहे हैं अच्छी बात है, आवाज़ उठा रहे हैं अच्छी बात है, पर हम कोई होते नहीं हैं उन्हें ये हक देने वाले कि उन्हें जीने का हक है या नहीं। हम कोई नहीं होते। इट्स ओनली व्हेन वी ऑल एक्सेप्ट दैट वी ऑल आर इक्वल, चाहे कोई भी कास्ट हो, कलर हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, तभी कुछ होगा। हमें बाहर सब कुछ ठीक करने का वेट नहीं होना होने का ठीक बाहर सब कुछ ठीक होने का वेट नहीं करना है, हमें खुद सब कुछ ठीक करना है। और कैसे ठीक करें, हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते,
पर हम एक इंसान को ज़रूर ठीक कर सकते हैं और वो है हम खुद। हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, अपने आप से। जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे ना, इस दुनिया में एटलीस्ट एक इंसान सुधर जाएगा। और अगर आपको देखकर, आपकी बातों से, आपके कर्म से किसी और को इन्फ्लुएंस हुआ और उसने भी अपने आप को सुधारा, तो सोचिए हम कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। हर इंसान एक दूसरे से सीखेंगे। तो शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से कीजिए। डू द लीस्ट दैट यू कैन डू, चेंज योर सेल्फ। थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल था, बट आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। See you in the next video.